नमस्कार द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका। देश और देश की सेना के मायने हम भारतीयों में अलग तरह का जज्बा ला देते हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड ने बहुत पेट्रियोटिक मूवीज अब तक बना दी हैं और आगे भी बनती रहेंगी। हाल ही में रिलीज हुई कंगना रनौत स्टारर फिल्म तेजस भी इंडियन एयरफोर्स की अदम्य साहस की कहानी है। फिल्म में तेजस गिल नाम की वायुसेना अफसर की कहानी दिखाई गई है। इसका किरदार कंगना रनौत ने निभाया है। ओनर विंग कमांडर तेजस देश के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तेजस को पाकिस्तान जाकर एक भारतीय एजेंट को छुड़ाने की जिम्मेदारी मिलती है। अब इस मिशन में तेजस कामयाब हो पाती है या नहीं, इसी के ऊपर पूरी स्टोरी लाइन है। कंगना रनौत एक्टिंग का पावर हाउस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक फाइटर पायलट के रोल में पूरी तरह से जची है, उनकी मेहनत साफ नजर आती है। हालांकि यही एक खामी भी है क्योंकि इस फिल्म में कंगना पहले की तरह एफर्टलेस नजर नहीं आई। फिर भी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने फिल्म को अकेले अपने कंधे पर संभाला है। कंगना की दोस्त बनी अंशुल चौहान का एक्टिंग भी इस फिल्म में बेहतरीन है। कंगना के बॉयफ्रेंड के रोल में वरुण मित्रा ने भी जबरदस्त काम किया है। फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन सर्वेश मेवाड़ा ने किया है। सर्वेश ने कोशिश तो अच्छी की लेकिन उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। फिल्म शूट के हिसाब से मजबूत तो लगती है लेकिन कहानी, VFX और डायरेक्शन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कंगना रनौत बहुत बड़ी सुपरस्टार है, इस हिसाब से उनसे बहुत ज्यादा होप रहती है। इसी को पूरा करने में डायरेक्टर पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। हालांकि हम जिस तरह की पंचलाइन की उम्मीद कर रहे थे वो कंगना को नहीं मिले हैं। स्क्रीन प्ले में बहुत ज्यादा ही उतार चढ़ाव है, आपको कंफ्यूजन भी होगा। डायरेक्टर यहाँ देशभक्ति और एयरफोर्स की बहादुरी का जज्बा और रोमांच जगाने में कामयाब पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं। इसमें टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक के कुछ सीन्स इंस्पायर्ड नजर आते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी स्लो है, हालांकि इंटरवल के बाद से फिल्म रफ्तार पकड़ लेती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।